यूटीएल सोलर लगातार अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। आज जो हमारे पीछे एक पेट्रोल पंप आप गर्व फिलिंग स्टेशन देख रहे हैं, लगभग आज से 10 से 11 महीने पहले यहां पर यूटीएल के वेंडर द्वारा 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर संयंत्र लगाया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि पेट्रोल पंप में जितना बिजली की खपत हो रही थी उसे रिड्यूस करने के लिए यहाँ के पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा इच्छा जताई गई और ये संयंत्र लगाया गया है। तो आगे हम दिखाएंगे कि संयंत्र कैसा लगा हुआ है, कितनी बिजली की बचत हुई है, और हम मिलवाते हैं अपने कस्टमर से जिन्होंने यूटीएल सोलर की ये सर्विस ली है, उन्हें कैसा लगा ये आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये यूटीएल कंपनी का ऑन ग्रिड इन्वर्टर 10 किलोवाट लगा हुआ है जिसमें कितनी पावर जनरेशन हुई है आगे हम आपको दिखाते हैं, और आज कितनी पावर जनरेशन हुई है ये भी आपको दिखाते हैं। आज का टाइम था, बादल काफ़ी ज़्यादा थे पूरे दिन तक, आज का क्या रिस्पॉन्स रहा है, अभी तक का कितना पावर जनरेशन आया है, ये सारा कुछ इस वीडियो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आज के दिन का 23 यूनिट जनरेशन और टोटल जनरेशन 13,793 यूनिट हो चुका है। नमस्कार, जैसा कि हमने अभी वीडियो में कवर किया है, ये गर्ग फिलिंग स्टेशन यहाँ पर जो 10 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगा है, आज हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ के मालिक से, गर्ग साहब हैं। आपको बताएंगे कि इन्होंने क्यों सोलर लगवाया है और उसके क्या एडवांटेज मिले हैं, कितना सेविंग हो चुकी है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो कृपया अपना परिचय देंगे हमारे कस्टमर। मेरा नाम जितेंद्र दत्त है, मैं एचपीसीएल डीलर हूँ। ये जो सोलर है ऑन ग्रिड सिस्टम मैंने लगवाया है, और ये पिछले साल अप्रैल 22 में मैंने सोलर सिस्टम लगवाया था। पहले मेरा बिजली का बिल करीबन 16,000 से 17,000 रुपये आता था, जो कि 6,000 रुपये है। अच्छा, मतलब शुरुआत में जब ये लगा है उसके पहले 16,000 के आसपास पर मंथ आ रहा था। हाँ, 16,000 प्रेजेंट में 6,000 के आसपास आ रहा है। तो क्या लोड सेम है या कुछ चेंज भी हुआ है? नहीं, लोड पहले से काफी बढ़ गया है। अच्छा, उसके बाद भी मतलब कि 10,000 रुपए मंथली की सेविंग हो रही है। जो पहले के हिसाब से अगर हम लेके चले आपका 16,000 आ रहा है, तो प्रेजेंट में अगर हम देखें लोड जो पहले का था और अब का लोड है, उसमें लगभग 30% का इंक्रीज हुआ है। और आज तक में कितना पावर जनरेट हो पाया है? अभी तक लगभग मैंने सेविंग कर ली थी 1,70,000 के आसपास। 1,70,000 तक की सेविंग हो चुकी है, लगभग 13,700 यूनिट से ऊपर का, जो कि आप यूपीएस के रीडिंग पर भी देख चुके होंगे, 13,700 यूनिट की सेविंग हो चुकी है अभी तक में। और आज का रीडिंग आप देख रहे होंगे 23 यूनिट तक आज का पावर जनरेशन हुआ है, जबकि आज के दिन पूरा बादल की कंडीशन रही है। 335 वाट के यहाँ पर 30 पैनल लगे हुए हैं, 10 किलो वाट का पूरा सोलर ऑन ग्रिड संयंत्र लगा हुआ है, तो इसका ये रिस्पांस आ रहा है। और ये अप्रैल 22 से आज दिनांक तक का है। तो यूटीएल की सर्विस से आप संतुष्ट हैं? कितनी स्टार रेटिंग देना चाहेंगे यूटीएल को? 4 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। अच्छा, और बारिश के दिनों में भी मैंने 56 यूनिट तक प्रोडक्शन लिया है। बारिश के दौरान अगर पॉली पैनल जो 335 वाट के पैनल हैं, अगर बारिश के दौरान 56 यूनिट का पावर जनरेशन आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है। क्योंकि पॉली पैनल में 5.5 यूनिट पर किलोवाट का पावर जनरेशन अगर किसी में अभी तक फोट हुआ है, तो यूटीएल का पैनल है। जो हम नहीं बता रहे, हमारे कस्टमर हैं, यूटीएल की सर्विस ले चुके हैं, हमारे यूटीएल के एक वेंडर से उन्होंने लिया है, वो भी शॉपी है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ये इंट्रोड्यूस करा सकें कि संयंत्र जहां जहां भी लगे हुए हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अधिक जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद।